पुलवामा का जो भी हादसा हुआ जिसमें काफ़ी सीआरपी के लोग हादसे का शिकार हुए, उसके बाद जो पूरे मुल्क में एक अजीब सा एक माहौल कायम किया गया, एक कश्मीरियों के खिलाफ एक डर और खौफ का माहौल कायम किया गया। कश्मीरी नौजवान जो बाहर पढ़ने के लिए गए थे उनको कॉलेज से निकाला गया। हम पूरे मुल्क को ये एक सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसा ही हादसा माओस्ट अटैक में भी हुआ जिसमें इससे ज़्यादा जो है सीआरपी की जानें जो हैं ज़ाया हुई, उनके खिलाफ हमने कभी नहीं देखा कि इस किस्म का गुस्से का जो है इजहार किया जाए या इस किस्म से उनको वहाँ इस तरह से उनको मुल्क से निकाला जाए। जैसा कि हमारी क़यादत ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज्तिमा में ये बात वाजे की कि हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते कश्मीरियों को जो सजा दी जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है, क्या वो शहरी नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान से अलग हैं? क्या वो हमें हिंदुस्तानी नहीं समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें हो रही, क्यों हो रहा है? क्यों आज टारगेट बनाया जा रहा है कश्मीरी स्टूडेंट हमारी बच्चियों को? हमें बहुत बार सप्रेस करने की कोशिश की गई, ये आज की बात नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन कश्मीरी कौम को दबाया नहीं जा सकता है।